रूम अजय जी क्या कहना चाहेंगे मिस्टेक फिल्म आज कितनी खुशी हो रही है और कहते हैं मौका भी है क्या कहना चाहेंगे जी बिल्कुल मिस्टेक मूवी का आज मुहूर्त है एक अच्छा सा गाना रिकॉर्ड किया महेश जी राकेश जी ने अमन तरीका ने उन्होंने गाना गाया है बहुत ही खूबसूरत गाना ऊपर रिकॉर्ड हो रहा है उसके साथ साथ यहाँ बहुत ही अच्छे टैलेंटेड एक्सपीरियंस लोगों के साथ में बैठ के आज मीडिया का कवरेज कर रही थी और साथ साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि मिस्टेक गलती जो हम लोग इसको सुधारने वाले हैं गलती दिखाकर एक सुधारने की कोशिश करने वाले हैं समाज में तो बस हमारी पूरी टीम की एक इच्छा और एक ट्राई है कि हम लोग अच्छे से अपनी मूवी को कंप्लीट करें मुकेश जी तनिषा जी निशान जी महेंद्र जी हम सब जने बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे अपनी मूवी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं बहुत अच्छे करेक्टर्स हैं बहुत अच्छी से लिखी गई है तो बस होप फॉर द बेस्ट एंड आप सबका आशीर्वाद चाहिए आपके किरदार की अगर किरदार की बात करें तो किस प्रकार का किरदार है और क्या कुछ डिफरेंट है बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं क्या ऐसा कुछ जी जी कॉन्फिडेंट इसलिए हूँ क्योंकि मुझे मेरी स्टोरी पे बहुत कॉन्फिडेंस है कि वो बहुत अच्छी है उसके साथ साथ मेरे किरदार के बारे में अगर बात करी जाए तो पहली बार मैं कुछ ग्रे शेड करने जा रही हूँ एंड आई रियली लव इट क्योंकि मुझे कुछ चेंज करना था अपने रोल में तो ग्रे शेड में ना एग्जैक्ट नेगेटिव है ना एग्जैक्ट पॉजिटिव है बट हाँ अगर किसी के साथ गलत होगा तो उसे गलत दिखाना भी पड़ेगा क्योंकि जैसा इंसान करेगा वैसा भरेगा भी बस मैं वही करने वाली हूँ किसी ना किसी के साथ इस पिक्चर में वो आप देखेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग है बस आपको मज़ा आएगा क्या डिफरेंट होगा इस किरदार में या इस फिल्म में इस फिल्म में डिफरेंट तो देखिए बना तो सभी रहे हैं बट द थिंग इज दैट कि हम कितना समझ पाते हैं और सीख पाते हैं लाइक मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं लड़कियों को मैं यहाँ की औरतों को ये समझा पाऊँ कि अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आवाज़ आप ही को उठानी है आपके लिए कोई नहीं आएगा चाहे वो पुलिस हो चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो आपके घर के लोग हों अगर आप स्ट्रांग नहीं है तो आपके लिए कोई स्ट्रांग नहीं बनेगा दैट्स द मेन पॉइंट व्हाट आई वांट टू कन्वे टू द पब्लिक क्या मैसेज देना चाहेंगे दर्शकों को जो आप इस फिल्म में आपको देखेंगे बिल्कुल मैं सिर्फ इस फिल्म के लिए ही नहीं और वैसे भी हमेशा एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी अपनी आवाज़ खुद उठाना सीखिए मैंने अपने लिए तैयारियाँ खुद करी हैं मैं आगे भी यही चाहती हूँ कि खुद गर्ल्स कॉलेज के प्रेसिडेंट रहने के बाद अपने पॉलिटिकल करियर के साथ साथ मैं आप सबको यही कहूँगी कि गर्ल्स और औरतें जितने भी यहाँ पर इस हिंदुस्तान में हैं अपने लिए लड़ना खुद सीखें क्योंकि आपके लिए यहाँ कोई खड़ा नहीं होगा आपको अपनी आवाज़ अपने हाथ खुद उठाने पड़ेंगे लोगों के लिए खुद सुरक्षित रहने के लिए अपने बच्चों के लिए Wish you all the best. Thank you so much. Thank you so much.